कराची के एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख कर दी। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख ने अपनी गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। तो ज़मीनों पर कब्जे का ये केस और ऐसे में हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैं यहाँ आया हूँ और एंटी इंक्रोचमेंट जो कि प्रोविंशियल जुडिशरी है उनके पास कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ। उन्होंने मेरी बेल कैंसिल कर दी है। इससे पहले मैं बयान देने के लिए 4 दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट थाने गया। उन्होंने बयान लेने से इनकार कर दिया कि जी हम पहले ऊपर से पूछेंगे फिर आपका बयान लेंगे। कभी लाहौर से पकड़ते हैं कभी हैदराबाद से पकड़ते हैं। आज भी मैं अदालत में पेश हुआ। उन्होंने बेल कैंसिल कर दी कि जी आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। मैं हैदराबाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गया था वहाँ उन्होंने पकड़ लिया था। मैं यहाँ 4 दफ़ा थाने गया उन्होंने बयान नहीं लिया। आज मेरी जमानत कैंसिल हो चुकी है। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैं सिंध की आवाज़ उठाता हूँ। मैं इमरान खान साहब का एक वर्कर हूँ और तहरीक इंसाफ की मैं जंग लड़ रहा हूँ।